नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कंप्यूटर handynotes.com से और आज इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और फीचर्स क्या हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि ई कॉमर्स क्या होता है। दोस्तों कॉमर्स का मतलब होता है खरीदना बेचना और उसके बदले में पैसों का आदान प्रदान। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट्स या सर्विस खरीदते हैं तो हम एक कॉमर्स का हिस्सा बन जाते हैं, और जब यही काम ऑनलाइन होता है, यही काम इंटरनेट की सहायता से होता है तो उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, और यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा बिजनेस और कंज्यूमर एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से माल और सर्विसेज को बेचते और खरीदते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ई कॉमर्स का इतिहास क्या है। दोस्तों जो ई कॉमर्स की शुरुआत है वो 1960 के दशक में हुई थी, जब EDI मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का प्रयोग शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत बिजनेस टू बिजनेस लोग अपनी जानकारी, अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करते थे, और 1979 में अमेरिका नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने ASC X12 नाम का एक स्टैंडर्ड बनाया जिसके थ्रू लोग अपनी जानकारी, अपने बिजनेस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपस में शेयर करते थे। और उसके बाद 1990 के दशक में ईबे और अमेजॉन जैसी कई सारी कंपनियों का उदय हुआ जिसके माध्यम से लोग अपना सामान बेचते या खरीदते थे। अब ई कॉमर्स के प्रकार क्या हैं, और इसको जानने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ई कॉमर्स में दो पार्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है जो प्रोडक्ट या सर्विस को बेच रहे हैं, और दूसरा कंज्यूमर जो उसको खरीद रहे हैं, और इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन में इनके प्रकार बन जाते हैं। तो जब एक तरफ बिजनेस होता है और एक तरफ कंज्यूमर होता है उसको हम लोग बोलते हैं B2C। जैसे तमाम वेबसाइट्स हैं, ऐप हैं जिनकी सहायता से आप कंपनियों के प्रोडक्ट्स को या उनकी सर्विसेज को खरीद सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, स्नैपडील है, ऐसी तमाम कई सारी कंपनीज हैं जिनका प्रयोग करके आप प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, वो B2C के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है बिजनेस टू बिजनेस, ऐसी वेबसाइट या ऐसा माध्यम जहाँ पर सेलर और बायर दोनों ही बिजनेस हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उड़ान इंडिया का एक ऐप है जहां पर बिजनेस को ही बेचते हैं सामान, तो मतलब जहां पर बल्क में बेचा जाता है और बल्क में खरीदा जाता है। तो ये होता है बिजनेस टू बिजनेस। उसके बाद है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर का मतलब होता है जहां पर सेलर और बायर दोनों ही कस्टमर हैं और हम जैसे लोग हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें OLX की, तो जहां पर हम अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, फिर हमें वहाँ पे दूसरा बायर जो कि हम जैसे ही होता है वो उसको खरीद सकता है। तो ये होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। उसके बाद होता है कंज्यूमर टू बिजनेस, जहाँ पर उल्टा होता है, मतलब जो कंज्यूमर है वो सेलर है और जो बिजनेस है वो खरीदने वाला है। ऐसे बहुत कम ही एग्जाम्पल हैं, पर आपको समझने के लिए, जैसे फ्लिपकार्ट में जब अपना फ़ोन एक्सचेंज आप करते हो तो उस फ़ोन की जो कीमत है वो आपको मिलती है जो कि आप नए फ़ोन खरीदने के लिए यूज़ करते हो। तो ऐसे में जो खरीदने वाला पर्सन है वो बिजनेस है, ठीक है, और बेचने वाले कंज्यूमर हैं। तो ये होता है कंज्यूमर टू बिजनेस। उसके बाद हम बात करेंगे कि ई कॉमर्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है सर्वत्र होना या यूबिक्विटी। जैसा कि हमें मालूम है कि ई कॉमर्स का जो बिजनेस है वो एक जगह पर सीमित नहीं रहता। जैसा कि हमें मालूम है कि जो ई कॉमर्स का बिजनेस है वो किसी लोकल प्लेस के लिए नहीं बना है, वो सभी जगह मौजूद होता है, आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, आपका बिजनेस ग्लोबल रीच में पहुंच जाता है, मतलब आप चाहें तो एक जगह पर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में अपना सामान बेच सकते हैं। फिर चूंकि हम मालूम है कि इंटरनेट जो है उसके पहले से ही स्टैंडर्ड फिक्स हैं कि मतलब किस तरीके से इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाएगा, वैसे ही ई कॉमर्स में भी कुछ प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पर होता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग दिखेगी, कि आप देखेंगे कि ये फिक्स है, एक स्टैंडर्ड है कि हर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, वारंटी, उस कंपनी का नाम, किस कंपनी ने उसको बनाया है, और उसके बारे में तमाम डिस्क्रिप्शन जैसे उसका साइज, डायमेंशन, कलर, कई सारी चीज़ें, ये सब पहले से डिफाइंड होती हैं, आपको वेबसाइट पर दिख जाती हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड है। ई कॉमर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है रिचनेस इन कंज्यूमर एक्सपीरियंस। आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई सर्विसेज ऑनलाइन परचेस करते हैं, तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप परफेक्ट डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं,
तो इस कारण से जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आप खर्च कर रहे हो, उसका एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। अगर हम और फीचर्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि हर ई कॉमर्स वेबसाइट में, ऐप में आपको ये फीचर मिलता है जहां पर आप कस्टमर केयर से लाइव चैट कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आपको उसका समाधान अवश्य मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है प्रोडक्ट से, पेमेंट से और ऐसी तमाम जानकारी आपको उस वेबसाइट पर आसानी से मिल जाती है कि जिससे आप खरीदने के पहले प्रॉपर डिसीजन ले सकें कि उस प्रोडक्ट में कितनी वारंटी है, पेमेंट किस तरीके से करेंगे, उसमें ईएमआई है, ईएमआई में इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, ये सारी जानकारी आपको आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है। उसके बाद है कि पर्सनलाइज एक्सपीरियंस आपको मिलता है। जब आप किसी वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं और आप उसमें सामान खरीदते हैं तो अगली बार लॉगिन करने पर आपको वही प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो आपके पसंद के होंगे, तो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा होता है। और इवन आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स को फिल्टर भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा तमाम वेबसाइट्स में फिल्टर का ऑप्शन होता है जहां पे आप ब्रांड के हिसाब से, कलर के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, वारंटी के हिसाब से, तमाम फिल्टर्स के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज कर सकते हो, तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें बहुत अच्छा होता है और आपको लगता है कि वो वेबसाइट सिर्फ आपके लिए बनी है। अब हम बात करेंगे ई कॉमर्स के एडवांटेजेस की। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये कि आपको ऐसा मौका मिलता है कि आप सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट्स खरीद सकें। दूसरा जो एडवांटेज है वो है कि इसमें आपके जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, जो डिमांड है, वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाती है। आपका प्रोडक्ट्स आप लोकल मार्केट में बनाते हैं पर उसकी जो रीचेबिलिटी है वो हमारा तीसरा एडवांटेज भी है कि अगर आपका बिजनेस छोटा है, बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको एक ग्लोबल मार्केट में पहुंचने की एक जरिया मिल जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा जो एडवांटेज जो मुझे लगता है वो ये है कि ई कॉमर्स में आपका टाइम बहुत सेव होता है, क्योंकि आपको जो रिसर्च करनी है वो एक ही जगह बैठे करनी है। आप डिफरेंट वेबसाइट खोल सकते हैं, वहां पर अपने प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड कर सकते हैं और फिर इकट्ठा उनका पेमेंट कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। अगला जो एडवांटेज है वो है कि इसके माध्यम से आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा, आप ऑनलाइन अपने बिजनेस को ले जाकर उसकी ग्लोबल रीच में पहुंच जाते हैं, जिससे आपकी जो सर्विसेज हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो कोई भी उसको खरीद सकता है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो ये है कि कई बार अगर आप प्रॉपर रिसर्च करें तो आपको जो प्रोडक्ट है वो होलसेल कीमत पे भी मिल जाता है। अगला जो एडवांटेज है दोस्तों वो है कि बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिनको ध्यान में रखना होता है, जैसे कि मार्केटिंग किस पे करनी है, कस्टमर केयर कैसे करना है, आफ्टर से सर्विस कैसे देनी है, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है, जानकारी इकट्ठी हो रही है कंज्यूमर के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, उनको कैसे रखना है और इन्वेंट्री कैसे मैनेज करना है, ये सब काम ई कॉमर्स की बदौलत आसानी से हो जाता है। अब हम और बात करें, अगला जो एडवांटेज है वो है कि ई कॉमर्स के जरिए जो कस्टमर का जो बिहेवियर डेटा है, मतलब कस्टमर क्या खरीद रहा है, कैसे वो प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहा है, इन जानकारी के आधार पर जो बिजनेस है वो मार्केटिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज को प्लान कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो एक और एडवांटेज है वो है कि ई कॉमर्स जो बिजनेस है वो 24/7 खुला होता है। अगर लोकल बिजनेस की बात करें उसका टाइम होता है, वो टाइम बाउंडेड होता है, वहीं ई कॉमर्स आप कभी भी खरीद सकते हैं और कभी भी बेच सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ई कॉमर्स की हानियां क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं ई कॉमर्स में। सबसे पहला, कई बार हम जब वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो हमको लगता है कि वो प्रोडक्ट वैसा ही होगा, वैसा ही हमें मिलेगा, बट कई बार हमको लो क्वालिटी का या खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाता है। दूसरा, अनचाही खरीद। दोस्तों कई बार जब वेबसाइट पर सेल आती है तो जो सामान हमें खरीदना भी नहीं है वो सामान भी खरीद लेते हैं, तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। इंटरनेट स्कैमर, ये हर जगह होते हैं। जैसे आपने कई सारी वेबसाइट देखी होंगी, वहां पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कम कीमत पे दिखते हैं, पर आप उनको खरीद लेते हैं अगर वो प्रोडक्ट्स आपको कभी मिलता भी नहीं है। तो ऐसे में हमको बचना चाहिए कि ऐसी वेबसाइट हम वहां से ही खरीदें जो कि ट्रस्टेड है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि कई बार आफ्टर सेल सर्विस हमको नहीं मिलती है। कंपनी अपनी पॉलिसी के नाम पे बोल देते हैं कि इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं मिलेगी। और आखिरी, हम जब प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 3-4 दिन में हमें अपना सामान मिल जाएगा, पर कई बार
बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, आपको 10-12 दिन में भी सामान नहीं मिल पाता है। दोस्तों तो ये सारे ई कॉमर्स के डिसएडवांटेज हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ई कॉमर्स क्या है, इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। तो अगली वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।